What the f***? तो मैं पिछले कुछ दिन से YouTube पे कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, लेकिन अगर आपने देखा हो तो लास्ट वीक मैंने ऑलमोस्ट डेली एक वीडियो अपलोड की है। मैं रेगुलर वीडियोस बना रहा था, तो इस लास्ट वीक में मैंने कोई वीडियो क्यों अपलोड नहीं की और आज मेरे साथ क्या हुआ, इसका कुछ कनेक्शन है, तो ये सारी स्टोरी मैं आज आपको बताता हूँ। तो चक्कर असल में कुछ यूँ था कि मैंने एक माइक ऑर्डर किया हुआ था ऑनलाइन, और इससे पहले मैं माइक यूज़ करता था, ये बोया का माइक है, लव माइक है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, बोया एम बॉय। तो मैं काफ़ी अर्से से ये यूज़ कर रहा था, काफ़ी अच्छा माइक है, लेकिन ये वॉइस ओवर्स के लिए इतना अच्छा नहीं था। तो मैंने एक न्यू माइक ऑर्डर किया, वैसे भी मैं साथ साथ व्लॉग्स की वीडियोज़ बनाना कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, तो उसके लिए मैंने एक शॉटगन माइक ऑर्डर किया था ऑनलाइन। तो वो पार्सल आज फाइनली मुझे रिसीव हो गया, मैंने ऑर्डर किया था 30 मई को, तो आज फाइनली मुझे मिला है। तो देखिए असल में हुआ क्या हमारे साथ। तो ये पार्सल था जो मुझे आज मिला, और ये माइक था जो मैंने ऑर्डर किया था। और जब मैंने खुशी खुशी बॉक्स खोला कि फाइनली यार मेरा माइक आ गया, तो बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स पड़ा हुआ था। इस बॉक्स के अंदर एक और माइक का बॉक्स पड़ा हुआ था, ये। अब मुझे बताओ मैं क्या करूँ भाई। नहीं मतलब अगलों ने इस माइक का बॉक्स खोला, उसके अंदर ये माइक डाल के भेज दिया। नहीं यार ये क्या मजाक हो क्या रहा है यार, ये क्या चल रही है। अगर तो सिर्फ पार्सल में ये होता ना, तो बंदा ये कह भी सकता है कि चलो गलती से उन्होंने उस माइक की जगह ये माइक डाल दी, उन्हें ख्याल नहीं रहा। लेकिन नहीं, उन्होंने इस माइक का डब्बा लिया, उसे खोल के उसके अंदर ये वाला माइक डाला और ये डाल के पार्सल भेजा। और इवन इस माइक की जो ओरिजिनल गाइड थी वो भी इसके बीच में ही पड़ी हुई थी, पता नहीं कहाँ मैंने रखी है, बहरहाल वो भी इसके बीच में ही पड़ी हुई थी। हाँ ये जो ओरिजिनल माइक का मैनुअल था वो भी बीच में पड़ा हुआ था, लेकिन माइक नहीं है। और अब मैं इस माइक का क्या करूँ भाई, क्या करूँ मैं इस माइक का, जब मेरे पास पहले से ही यही माइक मौजूद है, मैं यही माइक यूज़ करूँ, तो मैं इसका क्या करूँ। अजीब यार, इससे पहले भी मैं दराज से मुख्तलिफ चीज़ें ऑर्डर करता रहा हूँ, और अक्सर दोस्त मुझे कहते थे यार दराज से मत ऑर्डर किया करो, फेक चीज़ें आती हैं वगैरह वगैरह, लेकिन इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं यार। हमेशा मैं तुम जो भी मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर की, ठीक प्रोडक्ट ही मुझे मिली। लेकिन इस बार मतलब मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर की, और आज तीन चीज़ें मैंने रिसीव की, और तीनों में यार इशू। एक का तो चलो मुझे पता था ट्राईपॉड का, कि वो छोटा ट्राईपॉड पिक्सी मिनी की, उन्होंने पिक्चर तो पिक्सी मिनी की लगाई हुई थी, और आई वॉज डैम श्योर जो प्राइस उन्होंने लगाई हुई उसमें वो पिक्सी मिनी तो देने से रहे, तो मुझे थोड़ा आइडिया था कि चलो वो एग्जैक्टली वो नहीं होगा, लेकिन उससे मिलती जुलती कोई काम की चीज़ आ ही गई। दूसरा मैंने एक ऑडियो स्प्लिटर ऑर्डर किया था, और वो जो आया वो काम ही नहीं कर रहा जिस फोन के लिए मैंने ऑर्डर किया था, तो वो भी ख़राब। और अभी ये माइक वाला सीन, तो कसम से यार दराज, अगर कोई दराज वाला फ्यूचर में ये वीडियो देख रहा है, तो अगर मैं इसके बाद से कोई ऑर्डर मैंने दराज पे नहीं किया, तो इसकी यही वजह होगी यार। कसम से बहुत तंग किया है यार इस बार तुम लोगों ने यार। # सैड लाइफ सैड रेक्ट्स, रोने वाला इमोजी। तो इतने दिन जो टाइम मैं वेट करता रहा वो सारा वेस्ट हो गया, और इसी वजह से मैं कोई वीडियो भी नहीं बना सका यूट्यूब के लिए। सो अब देखते हैं वो इस माइक को रिप्लेस करते भी हैं या नहीं करते हैं, तो कब तक मुझे नया माइक मिलेगा, और कितना टाइम लगेगा, और आगे मेरा इतना टाइम वेस्ट हो चुका है। आगे इतना अच्छा फ्लो बना हुआ था यार, डेली मैं बैठ के वीडियो बनाता था, रात को बैठ के एडिट की, अपलोड करती, सही अच्छा रूटीन बनी हुई थी। फिर मैंने कहा कि नहीं यार थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा, मैं वैसे कुछ दूसरे जो प्रोजेक्ट करने थे वो भी मैं सब दोस्तों कहता रहा यार दो दिन वेट करो मेरा माइक आने वाला है, दो दिन करते करते यहाँ पर आ गए, और अब उन्होंने ये माइक भेजा है। कोई सेम क्वालिटी का माइक भी भेज देते ना, कोई और शॉटगन माइक जो इस रेंज का है, लेंसको का, या कोई और भेज देते, तो चलो फिर भी बात बनती थी यार। उन्होंने वो माइक भेजा जो उसकी हाफ प्राइस का, और है भी बिल्कुल उससे डिफरेंट है, वो शॉटगन माइक है, ये लाइव माइक है। अब मैं सीरियसली यार टाइम ही वेस्ट हुआ, और वो सब यार बड़ा सख्त आज गुस्सा मुझे चढ़ा हुआ था, मेरा दिल कर रहा था मैं मतलब कुछ चीज़ें उठा के तोड़ दूँ, मतलब इतने दिन वेट करने के बाद फाइनली जब मैं खुशी यार जब होती है ना वो खुशी की यार फाइनली हाँ ये टाइम आ गया, फाइनली यार वो चीज़ आ गई, और आगे से फिर ऐसे हो तो कसम से बड़ा सख्त गुस्सा आता है। तो बस यही अपडेट थी यार आज की, कि ये हुआ मेरे साथ थोड़ा सा, इसकी वजह से मैं वीडियोज़ नहीं था बना रहा। तो चलो अब देखते हैं, अब जब तक इसका तो कोई सलूशन मुझे नहीं लगता कि जल्दी होगा, तो तब तक फिर यही माइक यूज़ करके वीडियोज़ वगैरह बनाऊँगा, वॉइस ओवर्स चलो मैं बनाऊँगा इंशाल्लाह, और कुछ मेरे प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं कुछ दोस्तों के काम में, वो भी यार अगर देख रहे हो तो माजरत, इस वजह से लेट हुए थे यार, वो भी मैं जल्दी बना दूँगा।
और एक और बात के हमारे चैनल के 400 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। आई नो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन 400 मेरे लिए यार बहुत खुशी की बात है कि 400 चलो फिगर पूरा होने वाला है। आई थिंक थोड़ी रह गए हैं, 8-10 सब्सक्राइबर रह गए हैं, तो प्लीज़ चैनल को यार शेयर कर दो दोस्तों मेरा के साथ। हर फ्रेंड ग्रुप में, हर सर्कल में कोई ना कोई बंदा होता है एक तो जो पोइट्री में बड़े इंटरेस्टेड होते हैं, तो बाकी दोस्तों के साथ बेशक मत शेयर करो, लेकिन एटलीस्ट उनके साथ शेयर कर दो। कल 500 में कुछ सोच रहा था, कुछ करेंगे कुछ मज़े का। चलो जो 2-4 लोग देखने वाले वीडियोज़ उनके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। इससे पहले कभी नहीं कहा, आज कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और चैनल को शेयर कर दो। और वो क्या कहते हैं कि इस सेलर पर एक लानत भेज के शेयर कर दो, बल्कि नहीं लानत ना ही भेजो यार, कोई पता नहीं अच्छा बंदा वो रिप्लेस कर दे। तो देखते हैं यार, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाने के बाद।